सो गाइज, आज हम भाषा और व्याकरण पढ़ने वाले हैं। चले गए, स्टार्ट करते हैं। कबीर कल अपने परिवार के साथ सर्कस देखने गया था। सर्कस में उसने जो कुछ देखा वह सब अपने मित्रों को बोलकर बता रहा है, तथा उसके मित्र उसकी बातों को सुनकर आनंद ले रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम सामान्य रूप से बोलकर और सुनकर बातों को समझते हैं। अध्यापिका संकेत के माध्यम से ग्रीन बोर्ड की ओर देखने को कह रही हैं और विद्यार्थी कॉपी में लिखकर बात को समझ रहे हैं। बच्चे ग्रीन बोर्ड से पढ़कर और कॉपी में लिखकर पाठ को समझ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि लिखकर और पढ़कर भी हम दूसरों की बातों को समझते हैं। अपने विचारों के आदान प्रदान के इन साधनों को हम भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के विचारों को समझ सकते हैं। आई होप गाइज, आपको भाषा समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं, जिससे हम दूसरों को अपने विचार बता सकते हैं और दूसरे हमें अपने विचार बता सकते हैं। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलना भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलकर अपने मन की बातें कही जाती हैं और दूसरा उससे सुनकर समझता है। टेलीफोन पर बात करना और रेडियो सुनना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। लिखना भाषा का दूसरा रूप है। इसमें लिखकर अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है। पुस्तक और समाचार पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। सभी भाषाओं को लिखने पढ़ने के लिए वर्णों के रूप में कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हें चिन्ह के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इन चिन्हों को लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। भाषा के वर्ण को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। देश में प्रचलित कुछ भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। आई होप गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।